कर विचार मैं कौन हूं ब्रह्म को जगदाधार। कैसे जग उत्पन्न है लीन कौन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य है दुख सुख कैसे होए। बद्ध मुक्त के ही भांति सो ग्रहण करो सत सोए। कौन हूं मैं शरीर तक सीमित तो नहीं, मैं इंद्रियों तक सीमित तो नहीं, कहां से आया, कौन हूं मैं, क्या कर रहा और जाना कहां है, लक्ष्य क्या है। ये चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या कर रहा और जाना कहां है, लक्ष्य क्या है, किधर जाएंगे। तो श्रेष्ठ चिंतन से, उपयोगी चिंतन से, आत्म कल्याणकारी चिंतन से हमारा जो चित्त है वह स्थिर होता है संसार के इन उलझनों से निर्लप्त होने लगता है। आत्म कल्याण का मार्ग आगे बढ़ता रहे, इसके लिए मन को आत्म कल्याणकारी विचारों से भरना होता है। मन में श्रेष्ठ विचारों का प्रवाह प्रवाहित रहे। केवल संसार और शरीर में ही डूबा न रह जाए, केवल विषयों में ही आसक्त होकर नष्ट न हो जाए। और श्रेष्ठ चिंतन न होने से, कल्याणकारी चिंतन न होने से केवल शरीर संसार इन संबंधों का ही चिंतन होते रहता है। मैं तू यह वह, शरीर संसार का चिंतन करना है, जितना चिंतन करना उतना ही करना है। संपूर्ण जीवन केवल मैं तू यह वह, तेरा मेरा, ये भोग ये पदार्थ ये संबंध, केवल इसी का चिंतन हो चलता रहता है। क्यों? क्योंकि कल्याणकारी चिंतन का अभाव है, श्रेष्ठ चिंतन का अभाव है, आत्म कल्याण में उपयोगी चिंतन कम है, न्यून है। सत्संग ना होने से, सत्संग ना होने से, कम होने से, स्वरवेद ना होने से केवल शरीर संसार इन भोगों इन पदार्थों इन कामनाओं का ही चिंतन चलता रहता है। कामनाओं का समुद्र है, वही चिंतन चलता रहता है। घर में रहना है, परिवार में रहना है, डूबना नहीं, फंसना नहीं, लक्ष्य से अलग होना नहीं। गंगा में स्नान करना अच्छा है, गंगा में स्नान करना अच्छा है, गंगा में डूब कर, गंगा में डूब कर प्राणों को गंवाना कतई अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। शरीर में रहना है, घर में रहना है, परिवार में रहना है, इन संबंधों के साथ रहना है, फंसना नहीं, डूबना नहीं, लक्ष्य से अलग हो जाना नहीं। आत्म कल्याण के मार्ग से अलग हो जाना नहीं। प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। आध्यात्मिक ज्ञान का वह प्रकाश, आध्यात्मिक ज्ञान का वह प्रकाश हमें प्रकाशित रखता है क्या मार्ग है, किधर जाना है, दुनिया में कैसे रहना है। जल में कमल का पत्ता है, जल में कमल का पत्ता है, जल में रहते हुए कैसे असंग है। घर में रहते, परिवार में रहते, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए कैसे इससे मुक्त हुआ जा सकता है, इससे अलग हुआ जा सकता है, एक विहंगम योगी जानता है।